दोस्तों नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अजय है दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए सबसे पहले अपडेट के लिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम बैटरी लाइफ की, यानी कि दोस्तों जो बैटरी लाइफ है उसे एंड्रॉयड ओ में इम्प्रूव किया गया है। यानी कि जो पहले एंड्रॉयड नोगट में हम मल्टीटास्किंग करते थे तो बैटरी हमारी जो थी वो काफ़ी खर्च हो जाती थी, लेकिन एंड्रॉयड ओ में एक फ़ीचर दिया गया है जो कि काफ़ी कमाल का है, जिसकी मदद से हम मल्टीटास्किंग करते टाइम अगर कोई एप्लीकेशन हमारे बैकग्राउंड में रन कर रही है तो अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारी जो बैटरी लाइफ है वो पहले से काफ़ी बेहतर चलेगी, और यह फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया है। दोस्तों दूसरा और कमाल का एक न्यू फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है स्नूज नोटिफिकेशन। तो दोस्तों स्नूज नोटिफिकेशन में क्या होगा, अगर आप कुछ टाइम के लिए अपने नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन के, तो आप स्नूज नोटिफिकेशन की मदद से आप 30 मिनट 15 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए अपने नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के। तो ये था दोस्तों दूसरा फीचर। अब बात करते हैं तीसरे। दोस्तों तीसरा जो फीचर है वह है पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम टीवी वगैरह फिर यूट्यूब देखना चाहते हो तो आप इस फीचर की मदद से दोनों काम एक साथ कर सकते हो। तो दोस्तों यह काफ़ी अच्छा फीचर ऐड हुआ है एंड्रॉयड ओ में, जो कि काफ़ी पसंद आएगा लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे फीचर की। चौथा फीचर क्या है दोस्तों, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। दोस्तों ये आपसे पहले हमने एंड्रॉयड नोगट वगैरह किसी भी एंड्रॉयड के वर्जन में नहीं देखा है, लेकिन एंड्रॉयड ओ में हमें ये देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें क्या होगा, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में आपसे पहले आपने देखा होगा वहाँ पर नीचे गूगल असिस्टेंट और कैमरे का ऑप्शन होता है, लेकिन आप अब उन्हें कस्टमाइज कर आप अपनी पसंद का कोई भी शॉर्टकट लगा सकते हो अपनी लॉक स्क्रीन पर और वहाँ से सीधे उस एप्लीकेशन पर जा सकते हो। दोस्तों ये तो था चौथा फीचर। अब बात करते हैं पांचवें फीचर की। दोस्तों जो पांचवा फीचर है वह है हाईफाई ब्लूटूथ, यानी कि जो हाईफाई ब्लूटूथ में क्या है दोस्तों, जो हम ऑडियो वगैरह सुनते हैं उन्हें इम्प्रूव किया गया है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, यानी कि जो पहले से बेहतर हमें क्वालिटी सुनने को मिलेगी। हमें इंतज़ार है इस फीचर का, हम देखना चाहते हैं कि इस फीचर को ऐड होने पर हमें कैसी क्वालिटी की ऑडियो सुनने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं एंड्रॉयड ओ के छठे फीचर की, जो कि इम्प्रूव किया गया है एंड्रॉयड एन से, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो पहले से इम्प्रूव कर दिया गया है। अब से पहले क्या होता था, अगर आप किसी अननोन सोर्स से या फिर किसी ब्राउज़र वगैरह से किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो यानी आपको अननोन सोर्सेज ऑन करना होता था, लेकिन अब अगर आप किसी जैसे कि गूगल क्रोम से आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आप पर वहाँ पर भी आपसे वहाँ पर भी पता कि आप सच में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप अलाउ कर दोगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाओगे। दोस्तों अब बात करते हैं सातवें फीचर की, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। नेविगेशन बार को जो है आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कि अगर आप कोई फोर्थ बटन लगाना चाहते हो अपनी नेविगेशन बार पर तो आप वो भी लगा सकते हो, और आप अगर इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो लेफ्ट टू राइट तो आप वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों यह भी काफ़ी कमाल का फीचर है, पहले किसी एंड्रॉयड वर्जन में नहीं देखने को मिला है, ये एंड्रॉयड ओ में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे एंड्रॉयड के अपडेट आते जाएंगे, एंड्रॉयड अभी ये प्रीव्यू 1 था, यानी कि अगर आप जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो कुछ और फीचर ऐड होते जाएंगे जिनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप एंड्रॉयड ओ को इंस्टॉल कैसे करें अपनी डिवाइस में। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप उस लिंक से जाकर आप देख सकते हो कि किन किन डिवाइस में अभी आप एंड्रॉयड ओ को इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लिमिटेड डिवाइस ही हैं जिनमें आप अभी एंड्रॉयड ओ को इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आपका डिवाइस भी इस लिस्ट में आता है तो आप यहां से डाउनलोड कर अपने एंड्रॉयड डिवाइस में एंड्रॉयड ओ का फ़ायदा उठा पाओगे। अगर नहीं आता तो कुछ दिन वेट कीजिए, आपके डिवाइस का नाम भी इस लिस्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर आपको इन फीचर्स में से कोई फीचर पसंद आया है तो आप नीचे कॉमेंट करके बताइए कि आपको सबसे बेहतर कौन सा फीचर लगा है।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।